नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने विवेकानंद पार्क से एक रैली निकालकर अपनी विभिन्न समस्याओं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि वीर सैनिकों की पेंशन की विसंगतियों, फैमिली पेंशन की विसंगतियों, सहायक प्रथा के खिलाफ सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों, समान डिस्ट्रीब्यूटर पेंशन की मान सम्मान MSP दिलवाने की मांग को लेकर आज पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। वहीं बताया गया है कि तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने अंत में कहा कि मांगे अगर केंद्र सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले समय में हकों के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये पूर्व सैनिक पूरे देश भर के, जिन्होंने अपनी जवानी से दिन से लेकर और आज दिनांक तक देश की सेवाओं पर हैं या तो सेवारत होकर अब अपने अपने यहाँ स्थानीय स्थानों पर हैं, ये जो ORP का जो हुआ है इसमें हमारी विसंगति है। आर्मी के अधिकारियों को तो इसका पूरा लाभ दिया गया, परंतु जो जवान भारी सर्दी, भारी भीषण गर्मी, तमाम बर्फों में ड्यूटी देता हुआ अपने आप को शहीद भी किया, अपने आप को इस पूरे लायक बनाकर यहाँ लाया, आज वो मारे मारे फिर रहा। तो इसलिए ये हमारे पूरे देश में हमारा जंतर मंतर में चल रहा है आंदोलन, उसके सहयोग और सपोर्ट में हम पूरे देश के लोग जिला 22 हमें आंदोलन करके कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो विसंगति है इसको ठीक करिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन, आज जब देश में जवानों का आंदोलन होता है तो फिर क्रांति होती है और परिवर्तन होता है। तो हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोग झंडे के नीचे अपनी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमारे कई ऐसे नौजवान जो ये तमाम ये इस काम को आगे लिए हैं, ये जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमको मच्छे में या छत्ते में हाथ डालने की जरूरत न पड़े, क्योंकि हम लोकतंत्र की आस्था पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये आंदोलन है। ऐसे में अभी तो ये सांकेतिक आंदोलन है, हमारे पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से पता भी नहीं लग पाया, और जिस दिन अगर देश में अराजकता फैलेगी, देश में विसंगति होगी, देश में नौजवानों जवानों के साथ अवरुद्ध होगा, उस दिन कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी होगी। आज उसी के लिए हम यहाँ कलेक्टर महोदय के थ्रू देश के राष्ट्रपति को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को और देश के उन वरिष्ठ तमाम जो इसके ज़रूरतमंद हैं लोगों को हम ज्ञापन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारा जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में, अगर इस पर हमारी विसंगत दूर नहीं हुई तो भविष्य में हमारे इन नौजवानों के हाथ में चला जाएगा मामला और फिर देश को और देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। हम चाहते हैं कि देश का नुकसान ना हो, देश भली भांति रहे, हम फौजियों के कंधे पर रहे, इसीलिए आज ये आंदोलन सांकेतिक है।